साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात डॉक्टर से कराते हैं और वो आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर मौजूद है, जो कि BHMS है और 10 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी उनके पास है। साथ ही साथ वो एक टीचर भी है, फ्री मेडिकल कैंप्स भी चलाते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं का समाधान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, एंड सेकेंडली व्हाट इज होम्योपैथी एग्जैक्टली? सर, मायसेल्फ डॉक्टर गौरी शंकर, ठीक है, BHMS केयर नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से, और क्लिनिक 10 साल से क्लिनिक है मेरी, 10 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और अभी हाल ही में मैंने अपना एक एकेडमिक भी शुरू किया हुआ है। तो होम्योपैथी अगर देखा जाए मैडम, तो आज की सबसे इमर्जिंग साइंस है। होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो अब जितने भी मेडिकल साइंस है ना हमारे पास, उसका सबसे लेटेस्ट वर्जन होम्योपैथी है। होम्योपैथी, अभी आपने सवाल पूछा कि होम्योपैथी क्या है और कैसे होम्योपैथी अलग बाकी मेडिकल साइंस से अलग है। yes. तो बेसिकली होम्योपैथी जो है वो लगभग आज से 250 साल पुरानी साइंस है। okay. होम्योपैथी के जो जनक थे उनका नाम डॉक्टर हनीमन था, और उन्होंने ये मेडिकल साइंस, बहुत यूनिक मेडिकल साइंस हमें दी। बेसिकली स्टार्टिंग उन्होंने एलोपैथी से करी थी जी। वो एलोपैथिक MD थे। उसके बाद एलोपैथी करते 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 उनको लगा कि यार, हम जिन बीमारियों को ठीक कर रहे हैं उस बीमारी से वापस से पेशेंट उसी बीमारी को लेके आ रहा है और उसका एक थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप भी है, तो अपने प्रैक्टिस से थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो गए। एंड आफ्टर दिस सेटिस्फैक्शन उन्होंने मतलब बहुत सारी मेडिकल्स किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ा, ट्रांसलेशन किया। उसके बाद एक ये यूनिक आइडिया दिया होम्योपैथी का। बेसिकली होम्योपैथी में होता क्या है कि डॉक्टर हैं तो मरीज आता है, तो पेशेंट अपनी सारे कंप्लेन लेके आता है, तो वो जो कंप्लेन लेके आता है ना, उस कंप्लेन के हिसाब से हम सिमिलर उसी कंप्लेन की उसको एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो पहले वैसा ही सिम्टम किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे दे चुका होता है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज साइंस है। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ सब कुछ साइंटिफिकली हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूव्ड होती हैं। उस प्रूविंग में जो सिम्टम आता है उसी सिम्टम के अकॉर्डिंग हम उसको दवाई देते हैं। इसीलिए इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का है, मतलब समान से समान की चिकित्सा। जैसे कहा जाता ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का। डॉक्टर, कहा जाता है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये कहाँ तक सच है और अगर नहीं होता तो उसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेसिकली होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंडिविजुअल का इलाज करते हैं। हमारे यहाँ कोई पैथोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं होता है। किसी एक बीमारी को हम नहीं ट्रीट करते हैं, उस बीमारी के साथ उस इंसान का जो बिहेवियर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए मैम, हम और आप हैं, ठीक है, हम दोनों को एक सी बीमारियाँ लगी, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं, से हाइपरटेंशन आपको भी हो गया, हाइपरटेंशन हमें भी हो गया, बट उस हाइपरटेंसिव फेज में
आपकी बॉडी का रिएक्शन और हमारी बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होगा। बिल्कुल, रिएक्शन अलग अलग होगा तो हो सकता है कि सिम्टम अलग अलग मैनिफेस्ट हो, और जब सिम्टम अलग अलग मैनिफेस्ट होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन जो होगा ना, उस मैनिफेस्टेशन पे बेस्ड रेमेडी होती है। ये बेसिकली होम्योपैथी है। बट एलोपैथी या अदर मेडिकल साइंस में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सेम बीमारी को सब अपने अपने तरीके से ठीक करते हैं। तो हमारा तरीका ये है। अभी आपका सवाल था कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वाई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि हम जितनी भी दवाइयाँ होम्योपैथी में हम प्रूव करते हैं, पहली बात उसकी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज प्रूविंग होती है, और होम्योपैथी का जो दवाई देने का जो हमारा जो मॉडस ऑपरेंडस होता है, हमारा जो तरीका होता है दवाई देने का, वो बिल्कुल अलग है। हम मिनिमम डोज देते हैं, और जो भी दवाई देते हैं वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से होता है। उस दवाई को डायरेक्टली हम ह्यूमंस पर प्रूव करते हैं। चूंकि हम पे प्रूव होगा तो जो भी साइड इफेक्ट या जो भी बैड इफेक्ट आएगा, हम इमीडिएटली बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, या सेलुलर लेवल पे जाके देखते हैं कि सेल्स में ये डिस्ट्रक्शंस आ रहा है, इमीडिएटली हम प्रूविंग स्टॉप कर देते हैं। और उसी बेस पे हम दवाई देते हैं। इस वजह से होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ये बड़ा मिथ है। एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है बैड इफेक्ट, ठीक है मैम। तो होम्योपैथिक दवाइयों का बैड इफेक्ट है। बैड इफेक्ट क्या है, जैसे और मेडिकल साइंस में आप सर दर्द की दवाई बाहर से लेके खा सकते हो, पेट दर्द की दवाई बाहर से लेके खा सकते हो, डेफिनेटली वो इजीली अवेलेबल है। और ऐड आता है, दुनिया भर की चीजें आती हैं कि भाई ये टैग है और ये मेडिसिन है और ये इलाज है, हम लेते हैं, ये केमिकल कंपोजिशन है, सब उस पे लिखा होता है, लिखा होता है। और आज मैम, आज अगर आज की बात करें तो लगभग 80% लोग दवाइयां ऐसे ही खाते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। हाँ, कि भाई ये सर दर्द में ये दवाई आना है, इस दवाई को खा लेते हैं, और वो दवाई का साइड इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ भी दवाई का बैड इफेक्ट है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज रेमेडी देते हैं। ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसका एक पिक्यूलियर एक्शन होता है ह्यूमन, ठीक। वो पिक्यूलियर एक्शन वो दवाई करेंगी ही करेंगी अगर आपने ली है, ठीक है। क्योंकि ये जो दवाई हम देते हैं, ये सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक दवाई, जैसे मान लीजिए ये दवाई ही है, इस दवाई को हमने पहले एक इंसान पर प्रूव करी, इसने उस इंसान पे जो जो सिम्टम दिया जी, वही एग्जैक्टली सिम्टम हम जिसको भी देंगे उसमें आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर दर्द, बदन दर्द, ये एक कॉम्प्लेक्स था सिम्टम होता है। अब कोई इंसान इसको लेके खा लिया, उसको लगा कि हमने सर दर्द के लिए लिया है, उससे उसका सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन एक दवाई कई सिम्टम एग्जिबिट करती है। अदर मेडिकल साइंस में एक दवाई का ये सेल टारगेटेड होता है, उस सेल पे काम करेगा, बट हमारी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है। एक साथ में वो मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं इनके। तो एक ऑर्गन पे परेशानी है, हमने उस दवाई को दी, उसने उस ऑर्गन के सिम्टम को खत्म कर दिया मान लीजिए, बट उस दवाई के तो और भी सिम्टम है, और हम बिना डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अगर उस दवाई को ले रहे हैं तो वो दवाई आपके बॉडी में फिर साइड इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, आप में बैड इफेक्ट लाए। That is called bad effect. Bad effect. And homeopathy having bad effect. Okay. ठीक है? Not side effect. A bigger effect. If you are not taking medicine. Yes. अगर आप ऐसी दवाई ले रहे हैं और आप किसी डॉक्टर के सलाह में नहीं ले रहे हैं, और ऐसे ही कह के कि हाँ हमको ये दवाई हो रहा है, जैसे नक्स वोमिका का लोग कहते हैं कि पेट के लिए है, कहते हैं सल्फर स्किन के लिए है, तमाम तरह की हमारे यहाँ भी दवाइयाँ हैं, बट बेसिकली नक्स वोमिका इज नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन, सल्फर इज नॉट ओनली फॉर स्किन, वो एक पार्ट है ना, उसके कई पार्ट हैं। तो एक पार्ट पे इफेक्ट आया और हम उसको लेते रह गए तो कई पार्ट पे बैड इफेक्ट भी आता है। दैट्स वाई होम्योपैथिक मेडिसिन इज वेरी वेरी डेंजरस अगर आपने उसको बिना किसी के ऑब्जर्वेशन में लिया। तो साइड इफेक्ट वाला तो बात ही नहीं है। और एक और सवाल आपने पूछा, डॉक्टर एक चीज ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक बहुत धीरे धीरे असर करता है, इसी पे मैं बात कर रहा था। बड़ा बड़ा बढ़िया सवाल है, और अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी में जाएंगे और इस पे मीम्स बनते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है, स्लो इफेक्ट करता है। तो देखिए, हमारी दवाई कभी स्लो इफेक्ट नहीं करती है, हम डॉक्टर्स जब भी किसी मरीज को ठीक करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट मरीज के सफरिंग के हिसाब से होता है। दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक बीमारियां जो धीरे 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 हमें अफेक्ट करती हैं, एक बीमारियां जो सडनली आती हैं,
उसको हम अक्यूट बीमारी बोलते हैं, और एक बीमारी जो धीरे धीरे आती है। तो हमारी दवाई आपके डिजीज के ऑनसेट के हिसाब से काम करता है। और ये मिथ है, अगर किताबों में, हमारे यहाँ बहुत सारे राइटर्स हैं, बेसिक बुक की बात करें तो एक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन करके किताब है, उसमें बोला गया है कि अक्यूट में दवाइयाँ हमारी खाने के मतलब विद इन अ सेकेंड काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि दवाइयों का इफेक्ट नर्व्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये मिथ है। क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, उसमें दवाई जैसे जैसे बीमारी आएगी वैसे वैसे ठीक होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, ये सवाल अक्सर आते कैसे हैं, क्योंकि हम उस दवाई को उस बीमारी के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे और मेडिकल साइंस में है कि सर दर्द हो रहा है तो पेन किलर, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, कहीं फीवर हो गया तो एंटीपायरेटिक। अब हम उस कॉन्टेस्ट में अपने मेडिसिन को, जब होम्योपैथी को यूज करेंगे, तो होम्योपैथी केवल जब तक उसका सिम्टम नहीं मिलेगा, भले ही एक दवाई फीवर के लिए है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैम, ये लोगों को समझना चाहिए, भले ही एक दवाई फीवर के लिए है, भले ही उस दवाई के प्रूफ में लिखा हो कि वो फीवर ठीक करता है, बट जरूरी नहीं है कि वो सबका फीवर ठीक कर दे। उस फीवर के हिसाब से, उस रेमेडी के क्राइटेरिया अगर फिट होंगे, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी दवाइयाँ काम करती हैं। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई इंसान है, उसका व्यक्तित्व मान लीजिए कि ए बी सी डी टाइप के सिम्टम दे रहा है, एक एग्जाम्पल है, अब हमारी दवाई ने ए बी सी डी टाइप के सिम्टम है ही नहीं, वो केवल बी तरह का सिम्टम कवर कर रहा है आपके तीन सिम्टम में, उस दवाई को कितना दिन भी खिला दीजिए आप ठीक नहीं होने वाले। सुना है ना, एक एक कॉमन एग्जाम्पल देखें तो कुंडली मिलाते हैं ना वो 36 गुण, तो जैसे वहाँ कुंडली मिलता है वैसे यहाँ पे भी कुंडली मिलता है, जितना एग्जैक्टली सिमिलर सिम्टम उतना ईजिली इलाज और उतना जल्दी से इलाज। डॉक्टर, आजकल बीमारियां सामान्य तो होती नहीं, आजकल बीमारियां लाइफस्टाइल बेस्ड हो गई हैं, जैसे कि आप देखिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, तो इन सब बीमारियों का क्या रोल है होम्योपैथी में? बड़ा अच्छा सवाल है मैम, और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो बीमारियां आजकल, जैसे पहले की जो बीमारियां होती थी, पहले कॉलरा हो जाता था, टाइफॉइड हो जाता था जो बहुत कॉमन था, इन्फेक्शन हो जाते थे, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, वो बीमारियां जो किसी पर्टिकुलर एजेंट के थ्रू होती थी। आज हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गई है, ना गंदा खाना है, ना गंदा पीना है, ठीक है, लाइट, रोशनी, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ गया है। ठीक है, अब इस समय तो बीमारियां नहीं है, लेकिन अब जो बीमारियां आ रही हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। दैट मींस आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है, जैसे उसको बोलते हैं, सुना होगा नाम, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ठीक है, अब थायराइड बड़ा कॉमन है, पीसीओडी बड़ा कॉमन है, देन ऑल दीज डिजीजेस आर नॉट ड्यू टू एनी इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, दे कॉज ओनली फॉर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, व्हाई लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल, लाइफ इज व्हाट, अ बेसिक क्राइटेरिया जीवन के लिए जो होता है, अगर हम उसे सही तरीके से मेंटेन करें उस क्राइटेरिया को, लाइक एयर, फूड, वाटर, ठीक है, इमोशन, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा ऑक्यूपेशनल बिहेवियर, हमारे कंडीशंस ऑफ लाइफ, ये सारे फैक्टर आजकल बीमारी में, डॉक्टर इमोशंस भी इफेक्ट करते हैं बीमारियों, 101% इमोशंस इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जब तक इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बॉडी पे कोई सिम्टम नहीं आता है। इसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रोसेस, और ये हमेशा से रहा है मैम, और होम्योपैथी एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड है। होम्योपैथी बेसिकली क्रॉनिक बीमारियां, दैट मीन्स लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए ही है। 100% क्यूरेबल है थायराइड होम्योपैथी में, क्योंकि थायराइड कैसे हुआ, आपके लाइफस्टाइल से हुआ। आप आजकल देखो ना, सुबह जगता कौन है, एक्सरसाइज कौन करता है, आज हेल्दी डाइट है क्या हमारे पास, इतनी बिजी लाइफ है कि हम, अगर हम जिम भी करने जाते तो एसी में जिम कर रहे हैं, डेफिनेटली हमने एसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एसी में जिम कर रहे हैं, चलो स्वेटिंग तो हो ही नहीं रही है, स्वेटिंग नहीं हो रही है। डाइट, आजकल के जो खाने हैं आप देख लो, बेसिक फूड गायब भी हो गया है। हाँ। तो ये सारी चीजें धीरे 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 हमारे सेल्स को अफेक्ट करती है।
आप आज आज अगर आप एक दिन लेट जगोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपको, दो दिन जगोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये टेंडेंसी बना लोगे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो जाएगा, और वो जो गड़बड़ी है वो आपके बॉडी में सिम्टम्स के फॉर्म में बाहर आएगा। बिल्कुल डॉक्टर, देश एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा था, ऑलमोस्ट लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके, लेकिन कोरोना के बाद पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, तो ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम क्या है? हाँ देखिए मैम, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम ये पोस्ट स्ट्रेस, कोई भी चीज़ जो पोस्ट लग जाता है ना, दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत परेशान थे, अब वो इफेक्ट जब हटी, भाई कोरोना तो सडनली गायब हो गया, बट जो हमने उस जो देखिए जितना देर तक ना वो स्ट्रेस हमारे बॉडी पे होता है, तो हर हमेशा हमारी बॉडी ना हमें हेल्दी रखती है, उस स्ट्रेस से हमने एक डिफेंस अपनाया होता है, घर में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, मास्क पहनेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बीमारी क्रिएट करती हैं। तो हम एक फिक्स लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे क्योंकि किसी एक चीज़ का डर था, ठीक है, अब सडनली वो डर दूर हो गया, लेकिन बाहर भी जा रहे हैं लेकिन एक जो सबकॉन्शियस पे डर था कि वायरस अभी गायब नहीं हुआ है, वायरस आएगा, ठीक है, दो फैक्टर हैं इस पोस्ट कोविड स्ट्रेस के, एक तो वायरस का डर, दूसरा वो बच्चे, वो लोग जिन्होंने दवाइयां खाई कोविड की, अननेसेसरी मेडिकेशंस जो लिया, उसका बैड इफेक्ट बॉडी पे। तो पोस्ट कोविड को हम दो पार्ट में देख सकते हैं, एक पार्ट तो वो है जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका, दूसरा पार्ट है उसका पैथोलॉजी, मतलब बॉडी पे साइड इफेक्ट उसका क्या है, और ये दोनों चीज ना होम्योपैथी से दूर हो जाएगी। होम्योपैथी में एक ऐसा, मतलब हमारे यहाँ रिपर्टरीज हैं, हमारे यहाँ हमारे ठीक करने का तरीका है, उसमें बैड इमोशंस की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर इमोशंस की दवाइयाँ हैं मैडम हमारे यहाँ, पूरी दुनिया की पहली ऐसी मेडिकल साइंस है जो आपके इमोशंस पे दवाई देती है। और मुझे लगता है आजकल के फास्ट फॉरवर्ड लाइफस्टाइल में इंसान अपने इमोशन से ही परेशानियों में रहता है, बिकॉज़ इमोशन नहीं दिखा सकते, प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना है, तो मुझे लगता है इमोशन बड़ी ये समस्या है। पहले मेनस्ट्रीम इस इमोशनल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते थे, जब से ये कोविड आया मैम, अभी देखा होगा आपने, सरकार ने भी इस पे बजट दिया है मेंटल हेल्थ पे, देन व्हाट इज मेंटल हेल्थ, आज मेंटल हेल्थ की बात हो रही है ना, होम्योपैथी की नींव ही मेंटल हेल्थ से शुरू हुई थी। हनुमान साहब ने कहा कि अगर आपको इंसान को ठीक करना है तो इंसान के दो पार्ट होते हैं, माइंड एंड बॉडी, जब तक माइंड पे जो चीज़ नहीं होगी बॉडी पे होगा ही नहीं, हम जब यहाँ आए हैं तो पहले हम मेंटली प्रिपेयर हुए होंगे, वो मेंटल प्रिपरेशन हमें यहाँ लेके आया। तो हर चीज़, चाहे बीमारी हो, चाहे हमारे दिनचर्या के कोई काम हो, सारा काम माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन से होता है, अगर ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होगा तो हमारी बॉडी हमें संकेत देगी सिम्टम्स के फॉर्म में, और वो संकेत केवल हमें ये बताने के लिए होते हैं कि भाई ये फॉल्ट आपके अंदर चल रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा हार्ट तो मैम हमको आके बोलेगा नहीं ना कि भाई चर्बी जम गई है इधर, लंग्स तो बोलेगा नहीं कि बहुत धुआं निकल गया इधर, वो क्या बोलेगा, वो कैसे बोलेगा, वो कहेगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाँ, वो इंडिकेट, तेरा बीपी बढ़ गया भाई, अब घुटना तो बोलेगा नहीं कि दूध नहीं पी रहा है, कैल्शियम नहीं ले रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स, बेसिकली डिजीज क्या है, बीमारी हमारे शरीर का एक संकेत है मैम, चाहे पोस्ट कोविड हो या प्री कोविड हो, कुछ भी हो, कितने जो भी सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं, बेसिकली ये सारे सिम्टम्स ना हमें इंडिकेट करने के लिए आते हैं कि आपके विल, मोरल, इंटेलेक्ट, लाइफस्टाइल, इमोशन, डाइट, रेजिमेन, इसमें कोई ना कोई कमी रह गई है, और दुनिया की अकेली मेडिकल साइंस है जो हर एक पॉइंट पे जाके हम उस रीजन को ढूंढते हैं। सुना होगा आपने बहुत एक फेवरेट सा एक 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 लोक कहावत है होम्योपैथी को लेके कि होम्योपैथी जड़ से इलाज करता है, हाँ, जड़ से खत्म करता है बीमारी को, ये हमने उसको कहते हुए तो सुना। जड़ का मतलब क्या है भाई, जड़ का मतलब होता है रूट कॉज, कि कहां से आया ये, कहां से है, और रूट कॉज क्या है, हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो चेंज कर रहा है, जो फैक्टर, जो बीमारी लेके आ रहा है, उस फैक्टर को पहले जाने, वो क्यों आ रहा है, एक बार अगर हम उसे जान जाएंगे, अगर उसे ही हटा दिया
तो सिम्टम बचा। दैट्स वाई हम रूट कॉज पे जाते हैं। और रूट कॉज ऐसा नहीं है कि कोई पैथोलॉजी है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है, आपकी हैबिट्स हो सकते हैं, ठीक है, आप कैसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हो वो हो सकता है, कंडीशंस ऑफ लाइफ हो सकते हैं, वो आगे जाके परेशानी में। और यही रीजन होता है कि होम्योपैथी से किसी भी चीज का, जैसे पोस्ट कोविड स्ट्रेस है, स्ट्रेस है दैट मीन्स माइंड पे कोई एक ऐसी चीज है जो उसको डरा रही है। वायरस, तो नॉलेज ऑफ वायरस, रूट ऑफ वायरस, ये अगर समझा दिया जाए तो सही ठीक हो जाए। लेकिन आज आई एम सॉरी टू से, आज पेशेंट के एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बस हमें उसको दवाई देना है। ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई देंगे तो कुछ, आप समझ पा रहे हो, ठीक है, बट मैं पेशेंट को एजुकेट करने वाला काम नहीं है। अगर हम उसे बता दें कि भाई हार्ट में प्रॉब्लम है, बीपी की दवाई दे रहे हैं, बट आपको खाना पीना सही बदलना पड़ेगा। अगर हम उसको बता दें कि स्किन की प्रॉब्लम है, इस माहौल में रह रहे हो, उसको छोड़ दो। एक वर्ड सुना होगा ना, डॉक्टर बोलते थे कि हवा पानी बदल दो, सुना होगा आपने, exactly. उसको बोलते हैं माउंटेनियन रिट्रीट। अब इस तरह के प्रचलन है ही नहीं, अब अस्पताल बदल दो बोलते हैं लोग, डॉक्टर बदल दो, हवा पानी नहीं बदलो। तो ये सारी चीजें हैं, मैं बहुत मिथ है साइंस को लेकर। होम्योपैथी इज अ कंप्लीट मेडिकल साइंस। कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं है जिनका इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट हमारी रीच वहां तक नहीं है। पहले हमें समझना होगा, हमें वहां तक जाना होगा, उसके बाद हम अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जब तक हम अपनी बीमारी के जड़ को नहीं जानेंगे, जड़ से ठीक होगा कुछ? तो होम्योपैथी आपको ये बताता है कि आपकी बीमारी का जड़ कहाँ है। डॉक्टर, हम होम्योपैथी में रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एलोपैथिक में जो बड़े बड़े रोग है उनके वैक्सीन है, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, होम्योपैथी में बात वैक्सीन की करें तो वैक्सीन एक तरह का, जैसे बहुत तरह के इलाज है मैम, एलोपैथी में अपोजिट सिस्टम होता है, होम्योपैथी में सिमिलर सिस्टम होता है। वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरह की बीमारी से हम सफर कर रहे हैं जी, उसी बीमारी के एजेंट को, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, ठीक है, उसी एजेंट को इनएक्टिव फॉर्म में निकालते हैं और उसको निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके हम आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, और एक बार एंटीबॉडी बन जाती है ना, तो वह एंटीबॉडी से फर्दर वो बीमारी आपको नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडी में पहले से ही हमने प्रोटेक्शन की सुविधाएं उसको मुहैया करा दी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीन का, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोपैथी, ठीक, ओके, आइसोपैथी। आइसो का मतलब सिमिलर, मतलब एकदम सेम, एग्जैक्टली। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ही वैक्सीन बनेगा। अब इससे एडवांस होता है, उसको बोलते हैं सिमिलर, इसको बोलते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी इज एडवांस वर्जन ऑफ वैक्सीनेशन। होम्योपैथी एलोपैथी में किसी, या वैक्सीनेशन में, इट्स नॉट अबाउट एलोपैथी, वैक्सीनेशन में बहुत कम बीमारियों का हमारे पास वैक्सीनेशन है जी। पहली बात है क्योंकि वो खतरनाक बीमारी है जी। किसका वैक्सीनेशन होना चाहिए, कुछ हाथ पे देखिए 10-15 बीमारियों की लिस्ट है वैक्सीनेशन की, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट सिमिलर चाहिए, रेंज बहुत कम है वहां। बट बात जब होम्योपैथी की करते हैं तो होम्योपैथी में हर बीमारी का वैक्सीन देते हैं जी। अगर हम जुकाम भी ठीक कर रहे हैं ना, तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस से ही ठीक कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी बीमारी का, क्योंकि देखिए होम्यो का मतलब सिमिलर, जो काम उस वैक्सीन ने किया ना, वही काम होम्योपैथी में दवाई करेगी, भले ही वो उसकी तरह ना हो, बट उसके जैसे सिम्टम इफेक्ट करने की उसमें क्वालिटी होती है। इसलिए होम्योपैथी में हर बीमारी का, अच्छा वैक्सीन का ही लेते, जड़ से इलाज खत्म, दोबारा उसका नहीं होगा, तो होम्योपैथी जड़ से इलाज वाय, बिकॉज हम उसी के कॉन्सेप्ट पे तो काम करते हैं। एक अकेले ऐसी चीज है जिस पे हम हर बीमारी में इसका इस्तेमाल करते हैं, रेंज बढ़ा दिया डॉक्टर हैनिमन ने। बिल्कुल डॉक्टर, कोई एक सजेशन जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे अबाउट होम्योपैथी? बस मैं इतना ही कहूंगा कि होम्योपैथी इज अ वंडरफुल मेडिकल साइंस, और जैसे हर जगह झोला छाप होते हैं ना,
ठीक है, हर जगह। हाँ। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हैं, तो यही कहेंगे कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए आप लोग होम्योपैथी प्रेफर करिए, क्योंकि दवाइयों का बैड इफेक्ट ज्यादा है। आज हम और हमारा समाज बीमारी की वजह से ज्यादा परेशान नहीं है, उस बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ना, उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बीमारी के अवस्था में हैं, और आज सब लोग ये जान रहे हैं। तो पहला जो 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 मेन फैक्टर है कि होम्योपैथी में छोटी बड़ी बीमारी का कंप्लीट इलाज है, साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में जब आप जाओगे तो पहली चीज आपको आपकी बीमारी से पहले परिचय कराया जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, किस जगह की बीमारी है, बीमारी का कारण माइंड एंड बॉडी पे क्या है। तो पहली बात, अगर हम अपनी बीमारी जान गए, उसके नेगेटिव पॉइंट्स जान गए, तो वहाँ से बाहर निकलना अच्छा है। तो एक तो आपको आपकी बीमारी के बारे में पता चलेगा, दूसरा इनकी दवाइयों से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास हैं तो, जो डॉक्टर होम्योपैथी के सारे सिद्धांतों को जानता हो। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बार अगर आप होम्योपैथी से सही हो गए ना, तो उसका कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट होम्योपैथी कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होता है। सेफ होम्योपैथी विल इम्प्रूव योर लाइफ। एक कोट है डॉक्टर साहब का, कहते हैं होम्योपैथी नॉट ओनली क्योर योर पैथोलॉजी, बट होम्योपैथी विल इम्प्रूव योर लाइफ। आपकी जिंदगी बदल देती है, जिंदगी सुधार देती है। पैथोलॉजी तो चलिए ठीक होता ही होता है, बट आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस ठीक हो जाता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली, मतलब कहते ना कम्प्लीट पैकेज है होम्योपैथी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए और हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। शंकर जिन्होंने बड़ी बारीकी और ब्रीफिंग के साथ ये हमें बताया कि होम्योपैथिक क्या है, उसके साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों आप लोग होम्योपैथी को प्रेफर करें। आज के हमारे इस खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।